पड़ रही है यहाँ पे, तो कमरे से बाहर निकला भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है रसपुरा में इस वक्त। और अगर एसी से बाहर, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंद व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो आगे देखते रहिए। तो गाइस मैं आज बात करने जा रही हूँ सीमा हैदर पर। जी हाँ, ये मैडम पाकिस्तान से आ गई हैं हमारे इंडिया में, अपना बसेरा कर रही हैं और ऐसे के मस्त हवा खा रही हैं और बाहर निकल रही है तो उनको गर्मी लग रही है। क्यों, तुम्हारे पाकिस्तान में रूम के बाहर भी एसी लगी रहती थी क्या, या फिर वहाँ पे स्विट्जरलैंड जैसा वेदर रहता था, हमेशा ठंडा बर्फ गिरती थी? हमारे इंडिया में आकर फ्री कम खा रही हो और अटेंशन पा रही हो सबसे, और इसीलिए मुझे तो लगता है ये कोई या पैसा कमाने के लिए ही अपने अपने आप को पॉपुलर एज अ सेलिब्रिटी साबित करने के लिए यहाँ आई है, ताकि सब लोग इसको अटेंशन दें। ओ सीमा हैदर, तुम निकल यहाँ से, निकल, तुम निकल यहाँ से बेटा, निकल, तुम्हारा यहाँ से बहुत जल्दी बंद होने वाला है सब कुछ। तुम यहाँ से निकलो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमारे इंडिया को समझ क्या रखा है तुम लोगों ने, धर्मशाला? जो भी जो जो भी कोई होता है पबजी से, तो फलाना से, कोई भी साइड से होते हैं और आ जाते हैं। क्यों आते हैं भाई? अपने तुम्हारे पाकिस्तान में लड़के नहीं मिले क्या तुमको? ऑलरेडी तुम्हारे चार चार बच्चे हैं और वहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड गुलाम हैदर पाकिस्तान में इतना परेशान हो रहा है। कैसी औरत हो तुम, परेशान हो रहा है? वो बेचारा कितना वो स्ट्रगल कर रहा है तुमको, ताकि उनके बच्चे उनको वापस मिल जाए। अरे तुम भाड़ में जाओ, पर उनके बच्चे तो वो उनको दे दो। तुम तो एक मुस्लिम मुस्लिम कहलाने के लायक नहीं हो तुम। पहली बात तो तुम मुस्लिम हो ही नहीं, मुस्लिम होते तो ऐसा करते ही नहीं। ऊपर से तुम ऐसा कि अपने बच्चों के साथ ऐसा, अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। फ्यूचर इन द सेंस, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर एवर फ्यूचर, जो हमारे दुनिया में जो है वो, और आखिरत दोनों बिगाड़ रही हो, अपनी भी और अपने बच्चों को भी। तुम्हारी बहन जो आई थी सोशल मीडिया पे, वो तुमने उससे भी पहचाने से मना कर दिया। तो यार किस टाइप की औरत हो तुम? गाइस सीमा हैदर के लिए हम लोगों को एक ट्रेंड चलाना चाहिए, ताकि हैज सीमा हैदर इंडिया से बाहर जाए, इंडिया वो पाकिस्तान उसको वापस भेजा जाए।